हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपके इस चैनल टेक्निकल शुमार पर। तो वैसे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेडमी नोट 4 डिवाइस के बारे में। वहाँ पर गाइस MIUI 10 का एक स्टेबल अपडेट आने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लो, ताकि आपको रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट मिल सके हर दिन हर रोज। तो गाइस सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ रेडमी नोट 4 डिवाइस के लिए चाइना पर एक अपडेट उन्होंने शॉर्ट आउट कर दिया है और ये रोल आउट होना स्टार्ट हो गया गाइस। ये आपको चाइना का हर डिवाइस में मिला, लेकिन ये जो प्रोसेस है प्रोसेस में थोड़ा डिले हो चुका है। तो इसमें बता दें 10.2.2.0 का जो अपडेट है ये स्टेबल में आ गया है। और आपको सभी को पता होगा कि स्वामी का कोई भी अपडेट अगर आता है तो सबसे पहले चाइना पर आता है। चाइना का जितना सारा स्मार्टफोन है सबसे पहले वो कवर होता है, उसके बाद उससे 15-20 दिन या फिर एक महीने के अंदर ये गाइस अपडेट इंडिया पर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपडेट कौन सा आएगा। गाइस अपडेट आएगा 10.2.2.0, यानी ये जो अपडेट है चाइना पर अभी रोल आउट होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ये अपडेट जो आया था वहाँ पर बग्स था, बग्स को फिक्स किया गया है चाइना जो डेवलपर से, उसके बाद ये अपडेट दोबारा आ गया। तो ये करने के बाद आपको कौन कौन सा फीचर्स अनलॉक होगा, क्या कुछ अनलॉक होगा, क्या आपको यहाँ पर पेज लॉक मिलेगा कि नहीं, क्या आपको प्रोटेक्ट मिलेगा कि नहीं, उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एंड्रॉइड ओरियो का जो मोस्ट ज़्यादा जो पूछा जाए सवाल है कि एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट मिलेगा कि नहीं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कोई भी चीज़ का सेकेंड पार्ट होता है, जो आपका बेटा मोड पे चलने वाला था अभी MIUI 10 का डिवाइस, अभी वो गाइस MIUI 10 10.2.2.0 में अभी कन्वर्ट होने वाला है। तो आपके पास अगर नोट 4 है तो ये भी आपका ये जो वर्सन मैंने बताया आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस एक क्वेश्चन आपका मन में अगर हो रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी पैच कौन सा मिलेगा, जनवरी या फिर दिसंबर, तो मुझे उम्मीद है गाइस जनवरी का सिक्योरिटी पैच ही आपको मिलेगा। तो जनवरी का अगर सिक्योरिटी पैच मिल जाता है या लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको मिल दिया जाएगा। तो उसके बाद गाइस इसमें कौन कौन सा फीचर्स अनलॉक, सबसे पहले गाइस आपका फेस अनलॉक जरूर मिल जाएगा, ठीक है। उस कैमरा में AI सपोर्ट मिलेगा, अच्छा अच्छा सेल्फीज आप वहाँ पर उसके जरिए क्लिक कर पाओगे। उसके साथ पोर्ट्रेट मोड का फीचर्स भी आएगा। और उसके साथ अगर मैं बात करूँ जो है एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट, गाइस आप सोच सकते हैं रेडमी नोट 4 में एंड्रॉइड ओरियो आपको जो शॉमी वाला है ऑफिशियली बता दिया कि हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कई सारे यूट्यूबर्स के वीडियो आप देखे होंगे कि कई सारे यूजर्स बता दें कि नहीं मिलेगा। देखिए भाई, कोई भी अपडेट अगर स्वामी देता है जो अपना टॉप लेवल का डिवाइस में, तो आप 90% में यकीन के साथ कह सकते हो उसका जो आधा या उससे ज़्यादा चीज़ है वो जो छोटा से छोटा डिवाइस होगा देगा। कई सारे यूजर्स के पास अगर रेडमी 5A है, 3S, 3S Prime है, तो MIUI 10 इंस्टॉल करने के बाद आप खुद बताओ मोबाइल का लोकेशन, मोबाइल का जो यूज़ करने का तरीका, यानी मोबाइल के अंदर जो चीज़ है सॉफ्टवेयर वगैरह जो आइकॉन से चेंज हुआ कि नहीं, और उसको यूज़ करने में अभी आपको कैसा लग रहा है। पहली बार से मुझे उम्मीद है कि 90% बेटर लगेगा। और कोई भी अपडेट अगर आपको मिलता है ना, मैं यकीन के साथ बता, तो ये कोई नहीं बताता, आप एक बार सुन लीजिए। मान लो अभी 10.2.2.0 का अपडेट आपको मिलेगा और आपका इंटरनल स्टोरेज जो है अभी 1GB मान लीजिए खाली है, तो जैसे ही अपडेट कर लोगे ना गाइस, और भी 3 से 4GB आपका मोबाइल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो जो अपडेट अब थ्रू होती है आपको आ रहा है ना, उसके साथ जो एक्स्ट्रा आपका MB वहाँ पर कंज्यूम हुआ था इससे पहले का, तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा और आपको काफ़ी सारे इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाते हैं। तो अपडेट जब भी आता है अपडेट आपको करना चाहिए, वो अपडेट अगर बेटा क्यों ना हो, बेटा स्टेबल आपको कर लेनी ही चाहिए, क्योंकि अपडेट करने के साथ साथ आपका मोबाइल अपग्रेड हो जाता है और मोबाइल यूज़ भी आप अच्छे तरीके से कर पाते हो। वैसे अभी रेडमी नोट 4 भी एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया, 10.2.2.0 का अपडेट आना वाला है, उसके साथ ही साथ आपको एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट बिल्कुल फुल्ली तरीके से कन्फर्म है। अगर मैं डेट की बात करूँ तो गाइस फरवरी के अंत तक गाइस ये आपको मिल जाएगा, या यकीन के साथ, क्योंकि अभी वहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो गया और जैसे जैसे वहाँ पर रोल आउट स्टार्ट होगा उसके 10 से 15 दिन के अंदर ये इंडिया में गाइस आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस वीडियो यहीं तक का था, मुझे उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना वीडियो को और अपना सारी दोस्तों के साथ, खास करके जिन लोगों के पास नोट 4 है उन लोगों को पहले शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।